दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को बताऊं कि जो TRMY की भर्ती बताई जा रही है, ठीक है, वो कब आएंगी? ऐसे आप सबके मन में एक डाउट पड़ा हुआ है कि भाई आखिर में कब आएगी, क्योंकि हर वीडियो जब भी मैं डालता हूँ हर किसी के मन में एक ही डाउट आता है कि टी की भर्ती आखिर कब होंगी। क्योंकि क्या हुआ, एक नोटिफिकेशन वायरल हुआ था SSC GD का, जो कि बता रहे 2023 में, ठीक है। आप लोगों को मैं पहले ही बता दूं, कोई भी भर्ती रहो, शायद इंडियन आर्मी की रहो या TRMY रहो, कोई भी A to Z, 2 साल पहले कहाँ से नोटिफिकेशन आएगा मेरे भाई, ये चीज़ तो आपको भी पता है, ठीक है। इसलिए आपको बता दूं कि जो भर्ती है वो कहीं होने वाली नहीं SSC GD 2023 में। जब भी आएगा आपको नोटिफिकेशन तो दिख जाएगा, क्योंकि 2 साल पहले कहाँ से आएगा। 2021 ख़त्म नहीं हुआ तो 2022 आएगा ना कि 23 आ जाएगा, ये चीज़ आपको भी समझना है। और आगे आपको बता दूँ कि बहुत सारे लोग जो बता रहे हैं कि TRMY भर्ती जनवरी में होने वाली है या फरवरी में होने वाली है, आप लोगों को बता दूं, क्योंकि देखो यार, इंडियन आर्मी की भर्ती हुई नहीं तो फिर TRMY भर्ती कहाँ से होगी। और सब लोग मिनिमम इंडियन आर्मी पे ही आवाज़ उठा रहे हैं, TRMY पे कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। मैं आप लोगों को बता दूँ कि जो TRMY से रिलेटेड आप लोगों को मैं ही ये नहीं बोलूँगा कि सही जानकारी तो देता ही हूँ, लेकिन आप लोगों को हमेशा मैं सही वीडियो भी बताता हूँ। मैं हमेशा आप लोगों के साथ कभी गलत नहीं करूँगा, ये चीज़ आपको मैं बताता हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग आपको बता रहे हैं कि बहुत सारे YouTube चैनल गलत जानकारी देते हैं, क्योंकि मेरे ग्रुप में काफ़ी 200-300 बंदे जुड़े हुए, उन लोगों को मालूम है कि जो भी भाई डीमोटिवेट होता है, मैं उन लोगों को हमेशा मोटिवेट करता हूँ। क्योंकि आपको मालूम है मैं शेर शायरी वाली वीडियो बनाता नहीं हूँ, क्योंकि देखो यार, जो भी बनाता है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि बंदे को शेर शायरी भी होगी तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन मैं वो बनाता नहीं। क्योंकि आपको मालूम है मैं काफ़ी दिनों से और कितनी भर्ती मार चुका हूँ, ये चीज़ आपको मालूम है, प्रूफ भी दिखा चुका हूँ। इसलिए आप लोगों को बोलूँ मैं कि जो TA भर्ती, मेरा दोस्त भी एक्चुअली जो TA में वो 2017 में क्लर्क में लग चुका है और वो ऑलरेडी पुणे में है, तो भाई भी छुट्टी पे आ चुका है। तो आप लोगों को वो भाई के साथ भी मैं मिलाऊंगा और TA के बारे में कब भर्ती आने वाली है वो चीज़ भी आपको मैं क्लियर समझाऊंगा। जैसे वो भाई तो घर पे है, लेकिन मैं शायद उसके घर तरफ मेरा जाना हो तो मैं वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए और आपको बता दूंगा कि TA के बारे में भर्ती आखिर कब आने वाली है। क्योंकि क्या है, इससे पहले भी कल एक वीडियो बनाई थी मैंने, मार्च में भर्ती होने वाली है, ठीक है, वो नोटिफिकेशन फेक है, आपको मैं पहले ही बता दूँ। क्योंकि क्या है, देखो यार, इससे पहले कितने नोटिफिकेशन आ चुके हैं और मैंने हर नोटिफिकेशन की जानकारी ली और आप लोगों के बीच में रखा है। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि भाई ये वीडियो बनाता है, भाई वीडियो इसलिए बनाता हूँ, तुम जैसे अब गाली तो नहीं दूंगा, आप समझ जाओ, तुम जैसे उनके लिए मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ। क्योंकि मेरे वीडियो अगर 100 लोग भी देख रहे हैं ना, तो उसमें से 50 लोग को सही गाइडेंस मिलता है। और जो देवलानी में हो चुका है, क्योंकि मैं देवलानी में चार बार जा चुका था और बहुत सारे भाई लोगों को मेरी वीडियो से मोटिवेशन मिला था और बहुत सारे भाई लोगों को फ़ायदा मिला था। जो भाई देवलानी में नहीं गए उन लोगों को पता है कि मैं वीडियो में हमेशा सही जानकारी देता हूँ या गलत जानकारी देता हूँ। क्योंकि क्या यार, 3-4 कुत्तों के भुकने से यार आपको तो मालूम है शेर को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ऐसा है, अगर बहुत सारे यूट्यूबर भी सही जानकारी दे रहे हैं वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं किसी की बुराई नहीं करूँगा, लेकिन कोई भी अगर गलत जानकारी देगा तो मैं हमेशा उनका विरोध करूँगा, ठीक है दोस्तों। यही सब बताना था। और SSC GD कुछ आने वाली नहीं है, अभी पहले इंडियन आर्मी आएगी, उसके बाद TRMY आएगी। और आगे आपको बता दूँ, जब अगर इंडियन आर्मी के बाद TRMY भर्ती नहीं आती तो हम भी सरकार को हम ज्ञापन देंगे। क्योंकि देखो यार, इंडियन आर्मी के जो बंदे होते हैं वो हाइट में ज़्यादा होते हैं और कोई कोई स्पोर्ट्स में होता है जो लग जाता है, लेकिन क्या होता है, हर कोई स्पोर्ट्स का बंदा नहीं होता है और उसकी ओवर एज होती है और उसकी हाइट भी नहीं होती है, तो बंदा क्या करता है, TRMY का जरिया चुनता है। क्योंकि उसको तो जाना है इंडियन आर्मी में, भारतीय सेना में, क्योंकि इंडियन आर्मी में देखो यार, GD में भी बहुत ज़्यादा हाइट मांगते हैं और आपको मालूम हर क्षेत्र में हाइट ज़्यादा है, लेकिन TRMY ऐसा है जिसमें कम हाइट वाले ही जा सकते हैं। इसलिए आप लोगों को डीमोटिवेट नहीं होना है, जिनकी भी अगर कम हाइट है, हमेशा आप लोगों को मालूम है ये चैनल उनके लिए ही जाना जाता है। क्योंकि भाइयों को हमेशा मैं मोटिवेशन वीडियो बनाता हूँ और मोटिवेट करता हूँ, ठीक है दोस्तों। ये सब बताना था कि जैसे ही अगर कोई भर्ती आएगी आप लोगों के बीच में लाते रहूँगा, आपको डीमोटिवेट नहीं रहना है और दलालों से दूर रहूँ, क्योंकि दलालों का काम है पैसे हेडना, वो लोग तो करते रहेंगे, लेकिन आप लोगों को सावधान रहना है, ठीक है दोस्तों। कुछ भी अगर आपके मन में अभी भी अगर डाउट है तो आप कमेंट कर दो, और या तो फिर मेरा Instagram ID साइड में दिख रहा होगा, क्योंकि वहाँ पे अगर मैसेज कर दोगे तो आप लोगों को मैं जो भी आपके मन में डाउट हो TRMY से रिलेटेड, वो सब मन में से जो डाउट चल रहा है वो क्लियर कर दूंगा। अगर आप भी अभी भी चैनल पे अगर नए हो, चैनल अगर वीडियो मेरी पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन ऑल कर देना, अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक भी कर देना। मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।